और उपचुनाव में हम लोग डुमरी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण पे है और अभी हम मौजूद हैं उपरघाट में। उपरघाट में अभी जो है जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है बेबी देवी, उनकी चुनावी सभा चल रही है सामने। और आपको पूर्व मंत्री पूर्व विधायक इस इलाके की जगन्नाथ महतो जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो जानना है तो इस भीड़ को आप देख के समझ सकते हैं। उपरघाट का इलाका है और सामने मंच है और मंच के बाद भी देखिए कई महिलाएं जो है छत पर से सभा सुन रही है, कई लोग जो है दूर जो है वहां से जहां से शायद मंच दिखता भी नहीं होगा वहां से इस सभा को सुनने के लिए आए हैं। और शायद एक अदद आवाज ही काफ़ी है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो क्या, शायद इसकी उम्मीद करते हुए तमाम लोग यहां पर आए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ महतो उनके इलाके के लिए कितने अवेलेबल थे, कितना काम किया और क्या कुछ सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर यादव हुआ और मैं CPIML से काम करता हूं और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बेबी देवी का समर्थन के लिए हम यहां पर वोट मांगने के लिए आए हैं। सर एक बात बताइए, उपरघाट का जो इलाका है इस इलाके में जगन्नाथ महतो की पॉपुलैरिटी इस भीड़ को देख के समझ में आ रही है, क्या कहेंगे, किस तरह के नेता थे, कितना काम किया है उन्होंने? आज से 15 साल पहले उपरघाट का जितना भी क्षेत्र है, छोटे बड़े गांव जितने भी हैं, यहां विकास नाम का चीज़ नहीं था। जब से जगन्नाथ महतो जी यहां के विधायक बने, प्रतिनिधित्व करने लगे, उसके बाद दिन प्रतिदिन जो है यहां पर विकास का गंगा बहने लगा। आप देखे होंगे कि बगल में ये पुल है, नदी है, इस नदी में दो दो तीन तीन पुल बन गए एक एक जगह पर, अपने हर आधा किलोमीटर पर ये वो पुल बना है। ये विकास का काम जो है जगन्नाथ महतो को रहते बहुत सा काम हुआ है और इसीलिए झारखंड डुमरी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे झारखंड के पसंदीदा विधायक के रूप में पहचाने जाते थे। और जितने भी रोड बना है, नदी में पुल पुलिया बना है, विकास का काम हुआ है या शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, ये जगन्नाथ महतो जी का बहुत बड़ा कार्य हुआ है और इसी के चलते जो है गांव के लोग जो है आज भी उनके दिलों में बसते हैं जगन्नाथ महतो। और आने वाला दिन में 5 तारीख को जो होगा वो तीर धनुष छाप पर वोट लगा करके लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि डुमरी विधानसभा के लोग देंगे। देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि जगन्नाथ दास जो है इस इलाके के लोगों के दिल में बसते थे, शायद वही वो मंजर आपको नज़र आ रहा होगा इस इलाके में। आप देखिए दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे लोग जो है उनके चुनावी सभा में आए हुए हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी के बातों को सुन रहे हैं और पार्टी के जो लोग आए हुए हैं उनके बातों को सुन रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप युवा हैं, इसी इलाके के हैं जी सर। जगन्नाथ दास को कैसे याद करते हैं, किस तरह के नेता थे? जगन्नाथ बहुत अच्छा नेता थे, यहाँ हमारे डुमरी क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं और हम लोग को उसी को ही वोट देंगे। बोला जाता है रात भी रात हो कभी भी अगर उनको याद करें लोग पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ वो तो पहुंच जाता था। हाँ टाइगर आप लोग बोलते थे जगन्नाथ दास को? हाँ जगन्नाथ महतो को अच्छा काम करता था, दिन रात आता था, हमेशा रहता था, जहाँ भी आता था इसलिए अच्छा लगता था। और भी कई लोग हम बात करेंगे। दादा इसी पंचायत के हैं आप, टाइगर आप लोग बोलते थे जगन्नाथ दास को, क्यों टाइगर बोलते? टाइगर उसका शुरू से बोलता था, वो पता नहीं है, टाइगर जगन्नाथ महतो नाम से हम लोग जानते हैं जब से हम लोग का ज्ञान हुआ तब से। आपके इस पूरे इलाके में जगन्नाथ दास के विधायक बनने से, मंत्री बनने से कितना विकास हुआ? वही लगभग 18 साल। क्या लगता है अच्छे नेता थे, विकास हुआ? हम लोग को जब से ज्ञान हुआ तब से विकास काम कर रहे थे, विकास। वो अपना घर का तो कभी नाम ही नहीं लेते थे रहने, जब सुने ब्याह बहुत शादी किसी भी समय बुलाइए ऐसा कभी नहीं देखे कि नहीं आता, जब बुला पार्टी हो ब्याह हो कोई फंक्शन हो सब में आता था। अब नहीं रहे तो अब
क्या उम्मीद है उनकी धर्म पत्नी से आपको? क्या मान लो हम लोग इसका चाहते हैं, मान लो नहीं रहे तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग भूल जाए, फिर एक बार उसको देखेंगे, देवी देवी को उसको एक बार फिर जिताने का काम करें, कोशिश रखते हैं, कोशिश तो ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ें, उम्मीद तो पूरा रखते हैं। और भी कई लोग हैं, बात करेंगे, क्या कहेंगे? चुनावी माहौल है, चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है, जनता का क्या मूड है? जनता का है कि टाइगर जगन्नाथ महतो का वोट पूरा पड़ेगा। कोई एक काम बताइए जिसके कारण जगन्नाथ महतो आपके दिल में बसते हैं। टाइगर जगन्नाथ महतो बहुत सारा कुछ किया है, पुल बनाया है, और जब भी बुलाइए तब आता था, इसीलिए सबका दिल में बैठ गया। उनकी कमी को कोई पूरा कर पाएगा? उसका कमी का पूरा नहीं कर पाएगा कोई नेता नहीं, उसका आगे कोई नहीं। देवी देवी जी से कितना उम्मीद है? देवी देवी तो पूरा फुल सपोर्ट है, पूरा फुल पड़ेगा। ये किस तरह से हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, देखिए ये मंजर है और तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो है टाइगर जगन्नाथ महतो के नहीं रहने के बाद उनकी धर्मपत्नी जो है देवी देवी, उनको सुनने के लिए आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादी यही गांव के हैं? टाइगर दा जगन्नाथ दा को जानते हैं? मिले थे कभी? कैसे नेता थे? ठीक है नेता, वही वाला बेस्ट नेता है। दुख सुख में साथ रहते थे? हाँ, कैसे ने या बोल थी या दुख सुख में जैसी ओकरा फोन जाले तैसी आई जालती हूँ। हाँ या बोल, अब नहीं रहे तो कितना याद आता है? कैसे भी याद आता है, वो चल गए थे तो हमने याद नहीं आता, हमने भुलाई जी बेकी नहीं भूले बेगो, हमने यह टाइम तो आप लोग इस बार किसको वोट देने वाले? हमने जे हमने के दुआर या बोलती तकरार कर रहा था भाई, देवी देवी को देंगे, देवी देवी के। आप क्या कहेंगे, विकास हुआ? जगन्नाथ दास विधायक रहे, इतने साल रहे, आपके क्षेत्र में विकास हुआ? हम यहाँ नहीं रहते, हमको दूसरा ठीक है ने, तो इस इन लोग के हम नहीं पहचानते, उधर के है ननपनिया का। और भी कई लोग हैं, बात करेंगे। आप लोग वोटर हैं, वोट देते हैं? तो जगन्नाथ दा जो टाइगर जगन्नाथ दा जिनके जाने से सीट खाली हो गया, उनको कैसा नेता मानते हैं आप लोग? अच्छा नेता मानते हैं, क्योंकि उसने बहुत काम किया है। हमारे गांव में रोड भी नहीं था और लाइन भी नहीं था, उसके आने के आने से ही सब कुछ हो गया। पहले नहीं था, आज उनकी बेटी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़ी है। पढ़ाई लिखाई में स्कूल स्कूल में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? डेवलप हुआ है, लेकिन माँ के लिए वोट मांग रहा है। अच्छा, ऐसा कोई काम बताइए जो जगन्नाथ दा किए, जो जो आप याद किए कि हाँ मंत्री जी विधायक जी ये काम किए जो काफी अच्छा हुआ? वो डुमरी की जनता कभी नहीं भूल सकती है। हम तो मतलब इतना जानते कि वो मतलब वो नेता आने के बाद ही हम लोग को वो रोड मिला है और लाइन, मैंने इस चीज को देखा है, और कॉलेज के सुविधा के लिए बस भी दिया है। जब उनके लिए हम वोट, अब जो क्या उम्मीद करते हैं इनकी पत्नी से, क्या कुछ चाहते हैं और कि विकास हो यहाँ पे? हम तो यही चाहते हैं कि वो बेबी देवी फिर से जीते और फिर से डुमरी विधानसभा विकास हो। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देने वाले हैं? जो हमेशा हर आप वोट देते हैं नहीं देते हैं, ताकि क्या कहेंगे? अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे, भाषण सुन रहे हैं देवी देवी का, मूड क्या है? इस बार दो दो महिला प्रत्याशी मिले हैं डुमरी को, यानी एकदम ठीक है। जगन्नाथ महतो हम लोग का गांव में बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोग का बहुत सुख दुख में हमेशा साथ रहता था। यही कहने यही कह के हम अपना समाप्त करता हूँ। देखिए, सभी का यही कहना है कि जगन्नाथ महतो ने काफी कुछ काम किया है। अब कुछ गांव के और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप इसी गांव के हैं ना? इसी गांव के हैं। एक बात बताइए, ये मंजर देख के लगता है कि इस गांव के लोगों के दिल में जगन्नाथ महतो बसते थे, क्या कारण था? ठीक है, जगन्नाथ महतो का ऐसा कुछ काम बताइए जिसके कारण आज भी वो आपको याद आता है। धन्यवाद। जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, कैसे याद करते हैं, कैसे नेता? बहुत बढ़िया नेता था, बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी। अपने यहाँ जो बिजली दिया हुआ है, रोड दिया हुआ, सब उन्हीं का है।
उसके आगे में कोई नेता नहीं, इसका आगे कोई नेता नहीं। एक बात हर जगह से निकल के आ रही कि उनकी कमी कोई नेता पूरी नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, जगन्नाथ के आगे में कोई नेता नहीं है, वो मेरा नेता सही है, सब काम वही किया है। गरीब के सेवा में है वो, गरीब के सेवा में वो है जगन्नाथ। तो इस बार हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना काम करेगा? कोई हिंदू मुस्लिम काम नहीं, सारा जगन्नाथ माता वोट दे। बीजेपी का आदमी घूम रहा है मगर इसको कोई वोट नहीं देगा, सारा आदमी जगन्नाथ माता को वोट देगा। उसका काम बहुत बढ़िया है, हर जगह का रोड पुलिया बनाया हुआ है और अच्छा काम किया हुआ। हर दुख सुख में आते थे, जब भी शादी ब्याह मूर्खी हो, जब भी कोई काम हो तो वो आने के काम करते थे। उसका कान तक आवाज़ सुना कि फरना में गाँव में घटना हुआ, वो घटना को ये और भी कई बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आप काफी बुजुर्ग हैं, काफी दिनों से चुनाव देखे होंगे, तीन चार बार जगन्नाथ दास विधायक बन गए इसी इलाके से, क्या कहेंगे? विधायक आप लोग बनाए थे, कितना खड़े उतरे थे वो आप? हम जानते हैं हमको गेट और दरबार लगा है, उससे भेंट करने उसमें था, आया है लेकिन आज गोनियाटो आने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ था। अपने बड़प्पन में करके मन गदगद भी होने का था, किसी से भी मिलते जो हमको सुनाई पड़ता था खासियत हम देखे नहीं थे। अब वो नहीं रहे तो उनकी धर्मपत्नी से क्या उम्मीदें रखते हैं? वो तो गांव के लोग जो भी देखा जाएगा छोटा सजग भी है, अरे एक साल की बात है, डेढ़ साल की बात है, राजनीतिक इस बार सहानुभूति वोट पड़ेगा और जगन्नाथ महतो की पत्नी देवी देवी को समझ रहे हैं व्यवहार से क्या महिलाएं क्या अभिभावक उनका व्यवहार एक संकल्प और उनके साथ बातों पर छलक रहा है, एक निर्णय कहीं ना कहीं पर छलक रहा है। देखिए और भी कई लोग हम बात करेंगे, जगन्नाथ दा को टाइगर जगन्नाथ महतो कहते थे, आप लोग कहते थे जन नेता है, क्या काम से उनके खुश रहते थे? जगन्नाथ महतो को आप लोग टाइगर जगन्नाथ महतो कहते थे और लोग कहते हैं जन नेता है, जनता के नेता है, कैसे क्या काम करते थे जो आप लोग? जगन्नाथ महतो हम लोग यहाँ जिस समय से जीता है तो हम लोग को भला किया, हमारे पिताजी हमको जगन्नाथ महतो को जीता है तो हर जगह घर भी बनाया, चुनाव रोड भी बनाया, उसको हम खुशी मानते हैं। इस बार जगन्नाथ महतो नहीं है तो उनकी पत्नी को वोट जाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? जगन्नाथ महतो नहीं रहे, कैसे उनको याद करते हैं? जगन्नाथ महतो नहीं रहे तो अब कैसे याद करते हैं उनको? अगली बार फिर हमको वोट देखिए, कहीं ना कहीं कई लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 2019 में बड़ा जमीन माफिया है, बड़ा व्यापारी है, वोट देते देते तीन चार बार आप लोग जगन्नाथ महतो को विधायक बना दें, ऐसा क्या खासियत था कि बार बार आप लोग उन्हीं को विधायक बना दें? और अगर सब क्षेत्र में खड़ा रहता था, उसका जमीन को हासिल करने का काम करता था, यही आपसे पार्टी का मूल नीति आपके काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, काम कैसे ना, टंकी बना दे रहा है, नल दे रहा है, 2019 चूल्हा प्रमुख बना रहा है। इस बार क्या जनता किसको सपोर्ट करने वाली है? देखिए ये पूरा एक मंजर है, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक बार ऊपर के नजर से हम आएंगे, ऊपर से आप एक बार दिखाइए कि सामने वहाँ मंच है और मंच के चारों तरफ इस ग्राउंड में चारों तरफ लोग भरे हैं और कहीं ना कहीं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को याद तो कर ही रहे हैं, उनके कामों को भी याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि जगन्नाथ महतो अब चाहे इस धरती पे नहीं है, इन लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके काम है, और इस कारण से वोट तो इस एरिया के लोग जो है बेबी देवी को देंगे। अब देखना है, चुनाव में क्या कुछ निकल के आता है, मतगणना जब होगी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा 8 तारीख को कि क्या कुछ यहाँ की जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया। शुक्रिया।